मोस्टली जितनी भी क्रेन है, जैसे हाइड्रा टेलीस्कोपिक क्रेन, यह वेट उठाने के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम यूज करते हैं। लेकिन इन सब में से टावर क्रेन सबसे अलग है, जो वजन उठाने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर को यूज में लेती है। यह जो आप क्रेन देख रहे हो, इसी को टेलीस्कोपिक क्रेन बोलते हैं। यह मैक्सिमम 10 से 20 टन का वेट उठा सकती है हाइड्रोलिक प्रेशर से। लेकिन टावर क्रेन एक सिंपल सी मोटर की हेल्प से मैक्सिमम 100 टन तक वेट उठा सकती है। लेकिन वेट उठाने की कैपेसिटी दोनों ही क्रेन की हाइट बढ़ने पर कम होती जाती है। हम इस वीडियो में टावर क्रेन के कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को डिटेल से समझेंगे, क्योंकि टावर क्रेन की मैक्सिमम हाइट 250 मीटर से भी ज्यादा तक जा सकती है। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल लेंथ टावर क्रेन की 70 मीटर तक हो सकती है। अब समझना इंटरेस्टिंग होगा कि यह क्रेन इतनी हाइट पर कैसे अपने आप को बैलेंस करती है और कैसे वेट को करती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, टावर क्रेन को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले कंक्रीट और सीमेंट का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार किया जाता है जमीन के अंदर, तो यह क्रेन अपनी जगह से मूव नहीं कर सकती है। किसी भी बिल्डिंग को बनाने से पहले इसे इंस्टॉल किया जाता है और बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद ही वहां से हटाई जाती है। फाउंडेशन तैयार करने के बाद टेलीस्कोप क्रेन की हेल्प से क्रेन को बिल्ड किया जाता है। मेन टावर के एक एक ब्लॉक को उठाकर एक के ऊपर एक को सेट किया जाता है। यह जो ब्लॉक है, इनको मास्ट बोलते हैं। लेकिन अभी मैंने बताया कि टावर क्रेन तो 250 मीटर से भी ज्यादा हाइट तक जा सकती है, लेकिन टेलीस्कोप क्रेन तो इस टावर क्रेन को 15 से 20 मीटर तक ही बिल्ड कर पाएगी और इतनी हाइट पर क्रेन को पूरा बिल्ड कर देगी। उसके बाद में टावर क्रेन खुद अपने आप की हाइट को बिल्डिंग की हाइट के साथ साथ में बढ़ाती जाएगी। सबसे पहले हम टावर क्रेन के ऑपरेशन को समझते हैं, उसके बाद में यह कैसे अपनी हाइट एडजस्ट करती है उसको भी डिटेल से समझेंगे। टावर क्रेन कुछ इस तरीके से टर्न कर सकती है और क्रेन को टर्न करवाने के लिए यहाँ पर पावरफुल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर लगी रहती है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की खास बात है, जरूरत पड़ने पर मोटर के टॉर्क को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की हेल्प से बढ़ाया जा सकता है, जिससे क्रेन और ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। यहाँ पर यह जो बड़ा गियर लगा है, जिसके ऊपर पूरी ऊपर की क्रेन रोटेट कर रही है, इसको टर्न टेबल बोलते हैं। अब यहाँ पर लगी मोटर क्रेन को कितना ही रोटेट करवा सकती है, तो क्रेन 1.5 राउंड कंप्लीट कर लेती है तो यहाँ पर एक लिमिट स्विच लगा रहता है, जो मोटर को बंद कर देता है, क्योंकि क्रेन अब ज्यादा रोटेट करेगी तो इलेक्ट्रिसिटी की सारी केबल्स टूट जाएगी। फ्रंट साइड में क्रेन की जिब होती है, जिसकी लेंथ 70 मीटर तक हो सकती है, और जिब को बैलेंस करने के लिए पीछे की साइड में काउंटर जिब लगी रहती है, जिस पर काउंटर वेट भी लगे रहते हैं क्रेन को बैलेंस करने के लिए। और क्रेन की जिब और काउंटर जिब को सपोर्ट करने के लिए पेंडेंट लगे रहते हैं, जो टावर पीक से जुड़े रहते हैं। क्रेन का सेंटर ऑफ मास इस मेन टावर पर होना चाहिए, अदरवाइज क्रेन अनबैलेंस होकर गिर जाएगी। लेकिन टावर क्रेन में बहुत हेवी काउंटर वेट लगा रहता है, 15 से 20 टन मानकर चलो, तो जब क्रेन अनलोडेड कंडीशन में होगी तो काउंटर वेट क्रेन को स्लाइटली अनबैलेंस भी करता है। क्रेन की जिप पर एक ट्रॉली लगी रहती है, जो जिप पर लगे ट्रैक पर आगे पीछे मूव कर सकती है। ट्रॉली में टायर लगे रहते हैं, जो ट्रैक पर कुछ इस तरीके से चलते हैं। ट्रॉली को आगे पीछे मूव करवाने के लिए एक मोटर लगी रहती है, यह मोटर ड्रम को रोटेट करवाती है और ड्रम रोप की हेल्प से ट्रॉली से जुड़ा रहता है। यहाँ पर रोप का मैकेनिज्म थोड़ा अलग टाइप का होता है। इस ड्रम के ऊपर दो रोप होती है, जब एक साइड की रोप ओपन हो जाती है तो दूसरी साइड की रोप ड्रम के ऊपर कलेक्ट होती जाती है। रोप का मैकेनिज्म कुछ इस टाइप का होता है, एक साइड की रोप इधर से जाते हुए ट्रॉली से कनेक्ट हो जाती है और दूसरी साइड की रोप भी ट्रॉली से कनेक्ट रहती है, जो जिप पर ऐसे चक्कर लगाते हुए वापस ड्रम के पास में पहुंचती है। तो जब ट्रॉली आगे की तरफ जाएगी तो यह वाली रोप ट्रॉली को